हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने जहां समाप्त किया था, अब हम उससे आगे का चैप्टर आज शुरू करेंगे। और अगला जो आपका चैप्टर है, 14वां लेसन, वो है इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण रंगा। लक्ष्मी नारायण रंगा का जो पाठ है, यह एकांकी है। एकांकी अमर शहीद। राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत ये एकांकी बहुत अच्छी एकांकी है। हमारे अंदर राष्ट्रीयता के भाव भरने के लिए, देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए इस एकांकी का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका अंश अब आप इसके माध्यम से पढ़ेंगे। इस एकांकी में सागरमल गोपा नाम का एक सच्चा राष्ट्रभक्त अपने प्राणों की आहुति देकर भी, अपने आप को बलिदान करके भी मातृभूमि की लाश को बचाने के लिए तैयार रहता है। किस किस प्रकार के अत्याचार उस पर ढाए जाते हैं, लेकिन मरते समय तक वो निरंकुश आतताई शक्तियों के खिलाफत करता है और उनको किस प्रकार से परास्त करता है, ये बहुत अच्छी एकांकी यहाँ लक्ष्मी नारायण जी रंगा के द्वारा लिखी गई है। पहले इनका परिचय हम देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में बीकानेर में। यह आपको परिचय याद रखना चाहिए। इसके बाद में इनकी यदि नाटक और एकांकी संग्रह की बात करें, नाटक और एकांकी संग्रह टूटती नालंदाएं, रक्त बीज, इसके अलावा रक्त बीज, इसी क्रम में तोड़ दो ये जंजीरें, कहानी की यदि हम बात करें तो कहानियों में इन्होंने जो लिखा है, दहेज का दान, हम नहीं छोड़ेंगे या हम नहीं बचेंगे, दो ये संग्रह भी इनकी कहानियों के। इसी क्रम में कविता इन्होंने लिखी है, दास्तानी कवि हैं हरिया सुवटिया, ये इनकी कविताओं का संग्रह है। और बाल कहानी तमरक टू, ये इनकी बाल कहानियों का संग्रह है। तो अब इनका परिचय एक बार थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में। 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में इन्होंने डूंगरपुर कॉलेज बीकानेर से, डूंगर कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर, ये याद रखें आप, ये देखो स्नातकोत्तर, स्नातक धन उत्तर, स्नातक के बाद यानी बीए बीएससी के बाद की जो पढ़ाई होती है वो स्नातकोत्तर कहलाती है। तो स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है और भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक के रूप में कार्य करते रहे। बाल्यकाल में ही इनका रुझान नाटकों की तरफ था, अतः नाटक लेखन, निर्देशन एवं अभिनय में सक्रिय भागीदारी इन्होंने निभाई। रंगा जी हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से साहित्य सृजन करते रहे। इनके नाटक एकाकी मुख्यतः ऐतिहासिक, सामाजिक एवं समसामयिक तत्समय
उस समय में, यानी जिस समय की चर्चा हो रही है उस समय में कोई साहित्य लिखा गया हो समसामयिक, इनको 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्ण मिदम रंग नाटक पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, ये आप याद रखें, पूर्ण मिदम जो इनका साहित्य है उस पे एक नाटक इन्होंने लिखा था, रंग नाटक था, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इनको पूर्णमिदम नाटक के लिए मिला। तो रचनाएं मैंने आपको इसकी बताई, फिर भी एक बार संक्षेप में, नाटक है टूटती नालंदाएं, रक्त बीज, तोड़ दो ये जंजीरें, एक घर अपना, कहानी संग्रह दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, ये इनकी कहानियां। और उसके बाद में कविता संग्रह की बात करें तो हरिया सुवटिया राजस्थानी भाषा में, जो मैंने आपको बताई ये राजस्थानी भाषा में है, बाल कहानियां टमरक टू ये राजस्थानी भाषा में। अब ये तो इनका हो गया परिचय, अब एक बार हम बात कर लेते हैं इस पाठ की। जैसा कि मैंने संक्षेप में बताया, हिंदुस्तान की धरती और उसमें राजस्थान की धरती रणबांकुरों की धरती कि ना हीरा निबजे अठे ना मोती निबजंत, शीस कटा खंद सामना इड़ धरती उपजंत, ना हीरे पैदा होते ना मोती, लेकिन सिर कटने के बाद भी युद्ध भूमि में तलवार लेकर के युद्ध करने वाले पराक्रमी योद्धा इस धरती में पैदा होते। ये राजस्थान की महान भूमि है। और एक गीत में आपने सुना भी होगा, एक कविता की पंक्तियां थी, ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरसी तीर कटारों पे, यहाँ प्रताप का वचन पला था आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनिया अंगारों पे, बोल रही है कणकण में कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो धरती है बलिदान की। ऐसी बलिदानी धरती है यहाँ के लोग, यहाँ की कणकण में बलिदान के भाव भरे हुए, यहाँ का बच्चा बच्चा युद्ध के ये लड़ाई रहता है, यहाँ शत्रु अगर हमारे देश पर गहरी नजर ऐसी नजर रखता है, बुरी नजर रखता है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत यहाँ का बच्चा बच्चा रखता है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक वीरांगना अपने पति के बारे में कहती है, या एक माता अपने पुत्र के बारे में कह रही है, पहले ये सुने आप कि इला ने देनी अपनी हालरिया हुनराय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई मान, माँ अपने बेटे को सिखाती है कि अपनी मातृभूमि दुश्मन को मत देना, हालरिया हुनराय दुलार करती हुई कि मरण बड़ाई मान, तू युद्ध के अंदर मर जाना उसमें तेरी बड़ाई है, लेकिन मातृभूमि अपनी शत्रु के नाम मत कर देना। ऐसे ऐसे वीर यहाँ, एक वीरांगना कहती हेली की अचरज करूं कंत पढ़ू बलिहार, घर में देखूं दो एकड़ रण में होत हजार, हे सहेली मैं अपने वीर पति की बात क्या कहूं, उनके ऊपर मैं बलिहार जाती हूं, घर में होते हैं तो दो ही हाथ होते हैं, युद्ध के मैदान में उनके चार हाथ हो जाते हैं, इतना पराक्रम इतना शौर्य उनके अंदर आ जाता है। तो ये जो पराक्रम का भाव है हिंदुस्तान राजस्थान के कण कण में बसा हुआ, राजस्थान के तो ऐसे रणबांकुर हैं जो हंसते हंसते कुर्बानी की बलिवेदी पर अपने आप को होम कर देते हैं। तो अमर शहीद ऐसी ही एक एकांकी, बहुत सुंदर एकांकी, यदि बच्चों ये एकांकी मंच पे खेली जाए तो वास्तव में काबिले तारीफ बन पड़ती है, लोग तालियां बजाने और वाह वाह करने के लिए मजबूर होते हैं। इसका प्रसंग ही कुछ ऐसा है, चलिए पहले इस पाठ का संक्षिप्तकरण मैं आपको बता देता हूं। इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरबल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्योछावर करने की यशो गाथा है। यशो गाथा, यश की गाथा, यश है धन गाथा, यश है धन गाथा, विसर्ग संधि, मातृभूमि के लिए जो बलिदान दिया उसकी यशोगाथा इसमें आपको देखने को मिलेगी। सागरमल गोपाल ने जैसलमेर राज्य के स्वच्छाचारी शासन, अत्याचारी व निरंकुश, निरंकुश जिस पर किसी का अंकुश न हो, नी ही धन अंकुश वही विसर्ग, जिस पर किसी का अंकुश न हो, ऐसा स्वेच्छाचारी अपनी स्वेच्छा से आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी, सामंत साहित्य विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया, क्रांति फूंक दी,
इससे क्रोधित होकर सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया। सागरमल गोपाल ने जब उनकी खिलाफत की, क्रांतिकारी जो अत्याचारी लोग थे, तो उनको बंदी बना लिया गया। बंदी गृह में उन्हें अमानवीय यातनाएं, यातना कहते हैं पीड़ा को, इतनी भयंकर पीड़ा इसको उनको दी गई सागरमल गोपाल को। और अंत में 3 अप्रैल 1946 को जेल में उनको जिंदा जला दिया गया। आपकी शहादत ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए। लेकिन तो जोश उसके बाद जगा, क्योंकि सागरमल गोपाल ने आगे की पंक्तियों में कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे न जाने कितने सागरमल यहाँ पैदा हो जाएंगे और तुम जैसे आतताई शासकों को जड़ से उठा उखाड़ करके फेंक देंगे। और ऐसा ही हुआ। तो 1857 में जो क्रांति चली थी, 1947 में आजादी के रूप में परिणित हुई, तो ऐसे लोगों का योगदान था। ऐसे लाखों की संख्या में अनाम उत्सर्ग करने वाले लोग थे सागरमल गोपाल की तरह, वो भी बहुत से अमर शहीद थे कि जिनका नाम पता तक हम नहीं जानते, लेकिन हंसते हंसते अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया। ऐसे महान लोगों को हम दिल से श्रद्धा से याद करते हैं और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। तात्विक दृष्टि से अमर शहीद एक सफल आकांक्षी है। तत्व के आधार पर तात्विक समीक्षा होती है। देखो मैं आपको बता दूं कि तात्विक समीक्षा संबंधी एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि तात्विक समीक्षा के आधार पर एकांकी का वर्णन कीजिए। ये एकांकी के जो तत्व होते हैं उनका आप ध्यान रखोगे, जैसे कथानक या कथा वस्तु भी कह सकते हो उसको, पात्र या चरित्र चित्रण, ये हो गया संवाद या कथोपकथन, देश काल व वातावरण, उसके बाद उद्देश्य। ये हमारे एकांकी के प्रमुख तत्व हैं। इन तत्वों के आधार पर समीक्षा करनी होती है कि इसका कथानक कैसा है, पात्र चरित्र चरण कैसा है, संवाद या कथोपकथन कैसे है, देश काल व वातावरण और उद्देश्य। इनके आधार पर हम कहानी या नाटक या एकांकी की समीक्षा करते हैं। तो अमर शहीद एक सफल एकांकी तत्व के आधार पर भी समीक्षा की जाए तो एक बहुत ही सफल एकांकी मानी जाएगी। इसकी संवाद योजना में ओजगुण भाषा शैली का प्रयोग पाठकों का ध्यान आकर्षित करती है। इसकी भाषा शैली बड़ी ओजगुण है। तो अब ये तो था इसका परिचय। अब हम अमर शहीद एकांकी का कुछ अंश पढ़ने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज दी है। अगर इसको मंच के ऊपर खेला जाए तो कैसा वातावरण पैदा करना है, कैसा दृश्य बनाना है। इसमें पात्र कौन है, सबसे पहले सागरमल गोपा जो 46 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी है, धोती कुर्ता पहने हुए है, हाथ में हथकड़ियां, पांव में दोरी बेड़ियां लगी हुई है क्योंकि जेल का दृश्य दिखाना है। गुमान सिंह गावरोत है पुलिस अधीक्षक, जेलर करणीदान है जेलर का, जैसलमेर जेल का इंचार्ज, बीरबल मुनका सोहिल अहमद करल सिपाही आदि सब है। 3 अप्रैल 1946 दोपहर का समय है। पर्दा उठाने पर जेल की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है। एकांकी मंच पर खेलते हैं, पर्दा उठता है तो सबसे पहले जेल का अंदर का भाग दिखाई देता है। सामने की दीवार में लोहे का दरवाजा खुला है, रंगमंच के बीच सागरमल गोपा बैठा है। दृश्य आपको मंच पर दिखाना है जहां सागरमल गोपा बैठा है, उसके हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ी लगाए हुए हैं तथा पांव में भारी बेड़ियां, बेड़ियों के कारण उनके पांव में घाव पड़ गए तथा उनसे खून बह रहा है। सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहन रखा है जो मेले कुचेले हैं, बैतों से बार बार पीटने से कपड़े जगह जगह से फटे हुए, उन पर अत्याचार ढाया गया है तो बैतों से उनकी पिटाई हुई है तथा उन पर खून के दाग लगे हुए हैं। सागर के चेहरे पर गहरी वेदना के चिन्ह है, बड़ा दुखी है। वह हिलता है तो दर्द से हल्की चीख निकल जाती है। वह दांत मींच कर दर्द को दबाने की कोशिश करता है पर नीचे के अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई होने के कारण उसके थोड़े हिलते ही तेज चीख बरबस निकल पड़ती है। पीछे के दरवाजे में गुमान सिंह रावलोत खूनी बेड़िए की सी नजर और मुस्कान लिए नजर आता है। गुमान सिंह रावलोत कौन है, पुलिस अधीक्षक है, वो अत्याचार करता है। अब सागरमल चीख कर, नहीं नहीं नहीं, यह पीड़ा, यह अपमान, यह आग अब सहन नहीं होती। तो गुमान सिंह हंसकर, नहीं सही जाती तो महारावल जवाहर सिंह से माफी मांग लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। सागरमल, माफी, किस बात की माफी, कौन से अपराध के लिए माफी। गुमान सिंह, सागर एक अपराध हो तो बताऊं, राजद्रोह करके तुमने तो जैसलमेर की नाक कटवा दी। नाक कटवाना इज्जत खराब करना, तुमने जैसलमेर की नाक कटवा दी, तुमने राजद्रोह किया है।
सागरमल। राष्ट्र प्रेम करके नाक ऊंची गर्दी गुमान सिंह सारे देश में सारी दुनिया में, तुम क्या जानो इस बात को, मैंने राष्ट्र प्रेम किया है, राष्ट्रद्रोह नहीं किया। गुमान नाना थे तेरी इस नाक पर, महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी नुसवा देता। अब तक महारावल तेरे को छोड़े हुए, मैं होता तो तेरे को मार देता, बोटी बोटी नुसवा देता। सागर, पर क्यों गुमान सिंह? इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की, तुमने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखी, ये दो किताबें लिखी इन्होंने और ये सही लिखी, जैसा आदताई राज्य था उसके खिलाफत करने के लिए किताबें लिखी, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये किताबें तुमने लिखी। महारावल को डाकू खूनी हिंसक और आदताइयों का रक्षक कहा, इस राज्य को जंगल का राज्य कहा। सागर, अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच गुमान सिंह, क्या मैंने गलत कहा? जो कुछ कहा वो सही नहीं था? गुमान सिंह, बिल्कुल गलत। अरे नमक हराम, तेरी पीढ़ियों ने जिस भाटी महारावल का नमक खाया तूने उसी थाली में छेद किया गद्दार। वो इस प्रकार से गुमान सिंह अपनी बात कहता है सागरमल को। सागर कहता है, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो, जो अंग्रेजों की छत्र छाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो, जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाते हो। मैंने जो किया वो जनता के हित में किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गद्दार तो तुम हो जो अंग्रेजी सत्ता से मिलकर के इस प्रकार के अपने भाइयों पर अत्याचार ढाते हो। गद्दारी करने वाले तुम लोग हो। गुमान सिंह गुस्से से, झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? क्या तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया? क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं करवाया? क्या तुमने हड़तालें और भूख हड़तालें नहीं करवाई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा नहीं की? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे? क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं किया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बोल बोल, तुम लोगों ने सब किया कि नहीं? तो सागर को भी गुस्सा आता है, कौन सा अपराध कर दिया मैंने? किया किया किया, 100 बार किया और 1000 बार करूंगा। मेरे जीवन का ध्येय है जैसलमेर की प्रजा को जागृत कर सामंतित अत्याचारों को नष्ट करना। इसके लिए मैं प्राणों की बाजी तक लगा सकता हूँ। मैंने जो किया वो किया, मैं जैसलमेर की जनता को आजादी चाहता हूँ। तुम जैसे गुलाम, अंग्रेजी गुलामों की दासता हम स्वीकार नहीं कर सकते। गुमान सिंह, और तेरे जैसे पीवड़े सपोलियों को तो मैं पैरों से कुचल देना चाहता हूँ। सागरमल को इस प्रकार से भड़काता है सागरमल। गुमान सिंह, तुम्हारे डायर और ओडायर मेरी आवाज दबा नहीं सकते। तुम्हारा महारावल और सामंत मंडल मेरी आवाज से ही उठेगा। मेरी आवाज में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंती व्यवस्था को शमशान बना देगी, तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएगी। मेरे सांसों की एक फूंक से तुम्हारा जुर्म का राज्य तास के महल की तरह ढह जाएगा। वो गुस्से में अपनी बात इस प्रकार से कहने लग जाते हैं। तो अब आगे गुमान सिंह कहता है, और चुप कर कमीने, ये सामंती व्यवस्था तो शमशान बनेगी या नहीं बनेगी, मेरी मौत का पैगाम आएगा कि नहीं आएगा, पर तेरी मौत तेरे सिर पर अवश्य नाच रही है। तैर अभी बताता हूं, जोर से पुकारता है, बीरबल, उनका सोहिल, अहमद कलर, तीनों सिपाही है, वो बाहर से आते हैं। देखो कितने कितने अत्याचार उसके ऊपर ढाए जाते हैं। तीनों एक साथ, हुक्म रावलो जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। गुमान सिंह, सिपाहियों से कह दो कि इस आजादी के कुत्ते को थप्पड़े, लाते, घुसे, लाठी और बूटों की ठोकरें मारे, मार मार के इसका कचूमर निकाल दें। कचूमर निकाल देना बहुत बुरी तरह मारना, मतलब। बीरबल बाहर से, चलो सिपाही निकाल लो अपने हाथों पांव के पट। सिपाही आते, कोई थप्पड़ मारता है, कोई बूट की ठोकर, कोई पीठ पर घुसा मारता है, कोई लाठी मारता है। सागर हाय हाय करता है, बड़ी पीड़ा उसको होती है। थोड़ी देर मारपीट चलती है, फिर वे सागरमल को जमीन पर गिरा देते हैं, उसके पांव पर सिपाही खड़े हो जाते हैं। कितना अत्याचार सह रहा है वह, जोर से चीखता है। गुमान सिंह और सिपाही जोर से हंसते हैं। सागरमल तड़प कर बेहोश हो जाता है, इतना अत्याचार के अंत में वो बेहोश हो जाता है सागरमल। गुमान से, फेंक दो इस जिंदा लाश को। सिपाही बेहोश सागरमल को घसीट कर रंगमंच की तरफ डाल देते हैं। इसी समय जेलर दरवाजे से आता है, वह सागर की ओर ध्यान से देखता है। गुमान सिंह, अभी मरा नहीं है जेलर साहब। तो जेलर अच्छा व्यक्ति है, वो समझाना भी चाहता है गुमान सिंह को। अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है, वो सजा दूंगा कि। अब जेलर बीच में, वो तो ठीक है गुमान सिंह जी, पर सभी को एक ही लाठी से नहीं आंका जा सकता। ये स्वतंत्रता के दीवाने सर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बहुत ही इत्मीनान से और अच्छी तरह से काम लीजिए, ये आजादी के दीवाने हैं, इतनी जल्दी झुकने वाले नहीं है। गुमान सिंह, आपकी बात समझा नहीं। जेलर, कोई बात नहीं है, समय आने पर मैं समझा दूंगा, अब आप जाइए, मुझे सागर को होश में लाकर के जरूरी बात करनी है। गुमान सिंह, देखो फिर गुमान सिंह में वही,
मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना जनरल, हाँ जरूर, थोड़ा ठंडा पानी भिजवा देना। गुमान सिंह, ठीक है। जनरल सागरवल की हथकड़ी खोल कर उसे सीधा करता, उसके नब देखता है। एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लाता है। जनरल सागरवल के मुंह पर दो तीन बार पानी के छींटे देता है। धीरे धीरे कर्राता हुआ सागरवल होश में आता है। जनरल उसे सहारा देकर बैठाता है और पानी पिलाता है। तो यहां तक मतलब कितने अत्याचार उसके बढ़ाए गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल हम इससे आगे का भाग यानी 65 नंबर पेज से आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से आजादी का भाव लिए हुए किस प्रकार से सागरमल तरह तरह के अत्याचार सहन करता है, लेकिन मातृभूमि के प्रति उसका उद्गार जो है, उसका जो भाव है, वो सच्चा देश प्रेम की कसौटी है, उसमें वो खरा उतरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल इससे आगे शुरू करेंगे। थैंक यू।